हमको सबको ऐड करना है ना, हम हाँ हम नहीं किए हैं तो
है, मैं कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ। ये बहुत खरा शायद ना मार्टिना। यस मैम। बहुत खरा रे बोते ताको छिड़ा करी फोटो उठी चाकी पाके किन छोटो करती दे। अरे मैम कोड़ी खरा थिला कहले तो जियो पे खराब रहतिला रे। ये अंकित का फोटो है। वेरी गुड वेरी गुड। सब कोई क्लैप करेंगे अंकित के लिए। क्लैप क्लैप क्लैप। ये गुनगुन का फोटो है। राशि के लिए क्लैप करेंगे, फिर गुनगुन के लिए क्लैप करेंगे। गुनगुन का फोटो डाउनलोड हो रहा है, टाइम ले रहा है। ये देखिए गुनगुन, उसके लिए क्लैप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने चैट में नंबर शेयर किया है, उसमें ऐड कर देना से आई विल शेयर माय फोटो। ठीक है ठीक है, वो हम कर लेंगे। सो मर्सी मैम, हाँ मर्सी मैम आ गई है। हेलो विक्रम, आई हैव एडेड यू इन हिंदी बैप्टिस्ट चैट। नहीं मेरा नंबर, आई हैव गिवन माय नंबर इन द चैट। जस्ट सेंड मी द नंबर। ओके आई विल सेंड इट, आई विल सेंड इट मर्सी मैम, आई विल सेंड इट। Okay, then I'll make you the admin so you can add. Okay. Okay. So, Mercy ma'am, prayer करके start करेंगे. ठीक है ठीक है. लोग प्रार्थना करेंगे. आंखें बंद करो बच्चे. हाथ जोड़ो. Everyone, join your hand. आंखें बंद करेंगे. गुनगुन, स्वाति, एवरीवन, या प्रार्थना करेंगे. प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज आपने हम सभी को आज का दिन दिखाया. धन्यवाद प्रभु जी कि आज का जितने भी हमारे जरूरत के चीजें वो सब आपने हमें दिए, इसीलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. आप प्रभु इस समय आज का VBS को आपके हाथ में समर्पण करते हैं. हमारे जितने भी बच्चे VBS में ज्वाइन किए हैं सभी को आपके सम्मुख लाते हैं. प्रार्थना करते पिता इन तीन दिनों की VBS की जितने भी टीचिंग से, जितने भी एक्टिविटीज जो वचन सिखाया जाता है हर एक के द्वारा प्रभु जी आप हमारे बच्चों को और भी स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए सहायता कीजिए. जितने भी टीचर्स पेरेंट्स इसमें सहायता कर रहे हैं सभी को पासिस से आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए इसको भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. कल का क्या गाना सब कोई सीख लिए हैं? मार्टिना, यस मैम, टुडे मामाली एंड एंजी दे विल बी टीचिंग द एक्शन ऑफ द सेम सॉन्ग्स. ओके मैम, वेरी गुड. ठीक है. So, audio sirf and video inka. Ma'am, audio, play the audio. audio screen hum pin kar denge to sab kisi ko matlab thoda sa wahan pe dikhana hoga. Warna audio kyunki play nahi hoga, computer sound share screen karne se khali hoga. Okay. Ya fir mama le lo gana ga ke sikha denge. Nahi gana gayenge nahi. नहीं, उसका एक्शन वीडियो हम भी डाउनलोड कर दिए हैं. अच्छा, तो हम एक बार कर लेंगे. हम एक काम करेंगे, गाना हम फोन से बजा रहे हैं. हाँ. तो सुनाई भी देगा और इनका स्क्रीन मेरा स्क्रीन को दिखा देगा. ठीक है. Yes. पहले पुराना सॉन्ग. पुराना सॉन्ग हम प्ले कर रहे. सब कौन कौन सीखा है बोलो. पुराना सॉन्ग कल ग्रुप में शेयर किए थे. अरे वो गीत बजाउची. हां तो जाओ हमरा उन लाज लाज के
कल का गाना कोई नहीं सीखा है। मैं बजा रही हूँ। ओके मछली पकड़ने वाला पतरस कोई नहीं सीखा है। गो यस आप डांस कर सकते हैं। मछली पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। मछली पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। गुनगुन तुम भी करो। अपने दोस्तों के साथ करो गुनगुन। खड़ा होके करो। अभी सब मिलके नाचेंगे बच्चे गाएंगे भी फिर से बजाएंगे और फिर से नाचेंगे। अंकित तुम भी डांस करो। तुम भी अंकित खड़े हो जाओ। श्रेया स्क्रीन के सामने आओ। गुनगुन स्वाति और कौन है समुएल वीडियो ऑन करो। समुएल ऑन करो। मछली पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। मछली पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। हर्षिता वीडियो ऑन करो। हर्षिता सामुएल वीडियो ऑन करो। आप भर दो चुना पाया
अंकित चैताली किसी देखा जाओ नो अच्छा बड़ा खिड़की ना बंद कर नीता मैम टिके स्पीकर टिके फोन टा पाखो को आना तो किसी सुबह जाऊं नहीं एक्चुअली अच्छा मो याद सारा ऐसे लोग तो शेयर कर से पड़े हाँ मैं मो कोटे में नेट अपन शेयर स्क्रीन कर दी कि मैं देखो उसे तू देखे भी तो Nicha, 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 n
Martina ma'am. Yes, and ma'am. Percy ma'am, tomorrow being the last day, हमें जो प्रथम गीतरा सीखिलो माछवाली एंड माछवाला टुमारो कैन वी आस्क आवर चिल्ड्रन टू बी ड्रेस्ड लाइक दैट हां सबको वैसे ड्रेस होना है मछली वाली और मछुआरा मछुआरा का ड्रेस एक टॉवल पहन के गंजी ऊपर में पहनना है और सर पे एक टोपी और लड़कियों को एक साड़ी को हाफ जैसे मछली वाली पहनते वो वीडियो में हम फोटो शेयर कर देंगे वैसा ड्रेस होके आना है मछली वाली बन के गुड एक टोपी पहन के मछली होगा मैम मैं सेंडिंग दिस मैसेज इन व्हाट्सएप हां Let me send this message in WhatsApp. Yes, yeah. yes, I'll send this message in WhatsApp. And today's song also, बोझ को अपना जो लोड है जो भी लोड है मतलब पढ़ाई का लोड नहीं प्रेयर करना पढ़ाई के लिए लेकिन जो लोड है गॉड के ऊपर सब प्रभु को दे देना है और उनको ऊंचा ऊंचा प्रभु जाएगा और शैतान जो है वो कहाँ जाएगा नीचा 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 सो बोझ को अपना यीशु पे डालो क्योंकि वो तुम्हें कल हम मछुआरा और मछुआरियों जैसे ड्रेस करेंगे और एक पोटली भी साथ में रखेंगे जब वो गाना गाएंगे वो पीछे हम फेंकेंगे ठीक है मम्मी पापा लोगों को बोलेंगे बोझ तैयार करें और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है जो लोग बदमाशी कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में आ रहा है जो लोग मुंह बना रहे हैं हाथ रख के गिगल कर रहे हैं वो भी वीडियो में आया है गोलक सर का बेटा का वीडियो अच्छा बहुत आया है वो जो बदमाशी किया है सब देखे हैं यूट्यूब में कल यूट्यूब में वीडियो छोड़े थे देखे हो देखना अपना वीडियो तो जो बदमाशी किया था वीबीएस में वो भी आ जाता है अरे तेरी बेटी बोल रही नहीं बेचारी को नहीं दिखाया मम्मा ने ठीक है अभी मर्सी मैम को बुलाते हैं वो जो आज थोड़ा सा वचन से वो कुछ बोलेगी हम सबको शेयर करेगी हम लोग थोड़ा सुनेंगे Okay, thank you. तो सभी को फिर से वेलकम करते हैं और बच्चे हम लोग कल का टॉपिक हमारा क्या था कौन बता सकता है मैम विश्वास विश्वास वेरी हाँ जोएल एंड वेरी गुड फेथ 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 और कल कौन सा वर्स हम लोग उसको मेमोराइज करने के लिए बोले थे मैम फर्स्ट कोरिंथियंस 13 वर्स यस फर्स्ट कोरिंथियंस 13 सब मेमोराइज कर लिए हाँ मैम हो गया सबका तो कौन एक कोई आप में से कोई एक बता सकता है सुसाना बताएगी ठीक है बोलो 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 सोल डू थ्री थिंग कंटिन्यू फेथ फेथ होप एंड लव एंड द ग्रेटेस्ट वन इज लव फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 13 वर्स 13 वेरी गुड हम सब सुसन्ना दीदी के लिए ताली बजाएंगे हमारा वीवीएस वाला ताली वेरी गुड सब बच्चे अब जो भी वचन दिया जा रहा है उस वचन को हमें क्या करना है याद रखना है ठीक है ना तो आज का जो टॉपिक है वो है होप HOPE होप यानी कि हिंदी में बोलने से भरोसा या आशा या उम्मीद बहुत सारे वर्ड्स आशा के लिए या होप के लिए हमें हिंदी में मिलता है जैसे कि भरोसा बोलते हैं उम्मीद बोलते हैं और जो है हमारे आशा बोलते हैं ठीक है ना तो भरोसा या होप का मतलब क्या है भरोसा या होप का मतलब ये है कि जब हमें कुछ पाने का है और हम एक पॉजिटिव सोच रखते हैं कि हाँ वो मुझे मिलेगा ठीक है वो मुझे मिलेगा जैसे कि एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ सारे बच्चे ध्यान से सुनो वचन को एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि जैसे कि गुनगुन बोलेगी कि मुझे आशा है या मुझे भरोसा है कि आज पापा मुझे पार्क में लेके जाएंगे ठीक है आई होप माई फादर विल टेक मी टू ए पार्क टूडे तो वो है कि कुछ पॉजिटिव या कुछ पाने की हमें जो उम्मीद है
या आशा रखते हैं वही है जो है हम उसको भरोसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी जो होता है भरोसा जो है दो प्रकार का होता है, एक है एंसलम सीट प्रॉपरली ठीक से बैठो, हाँ बदमाशी नहीं, और जो है कि जब अगर हम लोग मनुष्य की या हमारे मम्मी पापा के ऊपर या भाई बहन के ऊपर या दादा दादी के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं ना, तो भरोसा या जो भी हम होप करते हैं वो हो सकता है कि हमें हमारा होप या आशा जो है पूरी हो सकता है या कभी कभी वो पूरा भी ना हो सकता है। जैसे कि मैं बताई कि अगर हम गुनगुन आशा रखती है कि उसके पापा उसको लेके जाएंगे घुमाने के लिए या पार्क में लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि वो भरोसा जो है वो पूरी हो सकता है, या कभी कभी हो सकता है कि पापा लेट से ऑफिस से आए या भूल जाए, तो वो जो है हमारा उम्मीद जो है वो खरा नहीं उतरता या पूरी नहीं हो सकता। लेकिन हम जो भरोसा की बात करते हैं या होप के बारे में बात करते हैं वो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा या गॉड के ऊपर हमारा होप, या आवर होप इज इन गॉड। परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं तो वो भरोसा हमारा कभी टूटता नहीं है, वो भरोसा हमेशा हमारा पूरा होता है। और इसीलिए एक वचन मैं आपको देना चाहती हूँ आज का मेमोरी वर्स, उसको याद रखिएगा, रोमन्स 12 वर्स 12 या रोमियो उसका 12:12, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इस वचन को आप लोग को याद करना है, ठीक है। इस वचन को हम लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे ताकि आपके मम्मी पापा आपको उसे मेमोराइज करा सकते हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य बने रहो। यानी कि हमें आशा में आनंदित होना, ये जो है ये आशा जो है ये परमेश्वर के ऊपर, Our hope is in God. जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, तो परमेश्वर उस आशा को या भरोसा को पूरा करता है, ठीक है ना। एक कहानी हम जो बच्चे बाइबल से देखते हैं, मोजिस की कहानी। मोजिस को परमेश्वर ने अपने लोग या जो उनके जो लोग थे इसराइल लोग, उनको छुड़ाने के लिए, वो लोग बंदी थे, वो लोग जेल में थे, वो लोग कैद थे, और वो कैद से उनको निकालने के लिए परमेश्वर ने मोसेस को चुना, मूसा को चुना। तो जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहां भी तुम जाओगे, जो कुछ भी तुम करोगे, आई विल बी विथ यू, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। तो ये जो है परमेश्वर ने मूसा को बोला। तो हम देखते हैं एक्सोडस या निर्गमन उसका 3 और 4 अगर देखेंगे एक्सोडस को, तो वहां पर पूरी तरह से जब मूसा या मोसेस जब वो परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर के इस्राएलाइट्स लोग को जब निकाल के लेके आता है मिस्र से और वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचाने तक परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मोसेस ही पुट हिज ट्रस्ट इन गॉड, ही पुट हिज होप इन गॉड, एंड इसीलिए जो है परमेश्वर उसे सहायता करते हैं, उसे मदद करते हैं, और जो है मूसा जो है इस इसराइल लोगों को बाहर निकाल सकता है। तो क्या हुआ, अगर मूसा अपने पर भरोसा रखता तो वो नहीं कर पाता ना। अगर मूसा सोचता कि आई कैन डू, आई कैन ब्रिंग आउट, वो नहीं सोचता। लेकिन जब मूसा परमेश्वर पर भरोसा किया तो परमेश्वर ने मूसा को उन लोगों को छुड़ाने के लिए सहायता किया। उसी तरह से दाऊद के जीवन हम देखते हैं, डेविड का जीवन। डेविड जब परमेश्वर पर भरोसा किया तो डेविड के जीवन में गोलियात को, जब कल हम सुन रहे थे स्टोरी, या गोलियात को मारने के लिए जब डेविड, बहुत बड़े बड़े लोग आए लेकिन कोई भी मार नहीं सका, लेकिन जब डेविड या दाऊद जब परमेश्वर पर भरोसा रखा तो उस शैतान को मारने के लिए परमेश्वर ने उसे सहायता किया। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक जगह में विक्ट्री देता है, हमें जय प्रदान करता है। उसी तरह से जब हम अपने जीवन में, बच्चों, जब when you trust God, when you put your hope in God, God helps you, he helps you to overcome the obstacle,
वो हर एक विपत्ति को, हर एक प्रॉब्लम्स को आपको उसे फाइट करने के लिए वो आपको सहायता करता है, ही हेल्प्स यू। तो इसीलिए हमेशा अपना जो भरोसा हमें जो है परमेश्वर पर देना है। मम्मी पापा के ऊपर तो हम भरोसा करते हैं, दादा दादी के ऊपर तो हम भरोसा करते हैं, और हमें जो है वो लोग से मदद और सहायता मिलता है, लेकिन कभी कभी वहां से सहायता नहीं मिल सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें जो है हर एक जगह में विक्ट्री देता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है, फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, वो है होप, यानी कि भरोसा या उम्मीद। और हमारा भरोसा जो है वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ही है हमारा भरोसा। क्राइस्ट इज आवर होप, और हमें, हम जब उनके ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमें क्या करते हैं, हर एक मुसीबतों से बचाते हैं, हमारे हर एक गलतियों को माफ करते हैं, और हमें वो उद्धार देते हैं। इसीलिए वी शुड होप इन गॉड। और आज का मेमोरी वर्स या वचन जो है वो है रोमन चैप्टर 12 वर्स 12, जिसको कि आपको सबको याद करना है, ठीक है, रोमन 12:12, ठीक है बच्चों। तो ये वचन को हम फिर से कल पूछेंगे, आप लोग को याद रख के बताना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू सारा। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है मैम? आशा। मैम आशा, आशा मैम, हो हो, ओके, वेरी गुड। सो हम अभी एक स्टोरी बताएंगे ये होप के ऊपर, ठीक है। स्टोरी सुनना पसंद है? कल का स्टोरी कौन बोल सकता है? कल क्या स्टोरी सुने थे, किसके बारे में सुने थे? कल एक स्टोरी सुने थे किसके बारे में? क्या कल हम लोग एक स्टोरी सुने थे किसके बारे में? हम एक लड़की, कौन थी वो लड़की? मैं उसका नाम याद नहीं है। रति। तो रति का स्टोरी में क्या हुआ था? वो चल जाती थी, जानती हूँ। हाँ प्रेजेंट में मैं जानती हूँ। हाँ बोलो बोलो। मुझे उसका फोटो चाहिए। उसका फोटो नहीं, अभी स्टोरी बताओ, स्टोरी क्या था? एक दिन प्रति हमेशा ये प्रेयर करती थी। उसका लाइफ बहुत हैप्पी था, सब फ्रेंड्स से बर्थडे हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, संडे स्कूल जाती थी। वो ज्यादा केक खा ली, उसको इंजेक्शन वो डाल ली, फिर वो बाइबल पढ़ी। नहीं, जब उसको बहुत केक खा ली, पेट दर्द हुआ, जब पेट दर्द हुआ उसको डॉक्टर के पास ले गए, उसको बहुत डर लग रहा था, क्या करूं, पेट दर्द है, इंजेक्शन लगेगा। पापा मम्मी बोले दुआ करके, प्रेयर करके दवाई खाओ, खाई वो ठीक हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने पापा के साथ कहाँ गई थी? वो अपने पापा के साथ कहाँ गई थी? बाली यात्रा गई थी। वहाँ पे क्या हुआ, प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी, फिर क्या हुआ, उसके पापा आ गए। क्या सीखी, विश्वास से प्रेयर करने से प्रभु हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कल एक लड़की का स्टोरी सुनेंगे, ओके, अभी सब कोई चुप रहोगे, सब कोई चुप रहोगे, सुनो स्टोरी को पहले, कोई अभी चिल्लाएगा नहीं स्टोरी के बीच में। आज का स्टोरी है एक लड़के के बारे में, इस लड़के का नाम है आदि, और ये थोड़ा नोटी है, शायद जोएल जैसा, या शायद सत्यजीत के जैसा, या अंशुल जैसा, बिल्कुल लग रहा है वो थोड़ा नोटी है। तो ठीक है, वो एक थोड़ा सा नोटी बॉय था। क्या नोटीनेस करता था, खाली खेलता रहता था, खाली खेलता रहता था। देखो कितना उसके दोस्तों के साथ खेलता रहता था, यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, वो
क्या कर रहा है? खेल रहा है। वो खेल रहा है। मम्मी बोलती है होमवर्क करो, पढ़ाई करो, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करके क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो मम्मी क्या करती है? गुस्सा हो जा रही है, बोल रहे तुम पढ़ाई नहीं करके खाली खेलते रहते हो। उसका रूम देखो क्या हालत किया है, बहुत सुंदर है ना? नहीं मैम, करते हो पूरा बेकार, पूरा फैला बहुत सुंदर है, पूरा रूम को गंदा कर दिया है, अपना गार्बेज को पूरा गार्बेज कर दिया है अपने रूम को। वेरी गुड। तो क्या हुआ, एक दिन स्कूल में वो अपने क्लास में देखो फ्रेंड्स के साथ है, तो क्या हुआ, मिस पढ़ा रही है, मिस बोलती है कि बच्चों हमारे शहर में एक सर्कस आने वाला है। हमको पता नहीं कितना जन तुम लोग सर्कस गए हो, कभी गए हो? कभी नहीं गए। यस मैम, कभी नहीं गए। ओके, सर्कस में एनिमल्स होते हैं, जोकर्स होते हैं, बहुत मजा आता है। तो टीचर उनको बोलती है कि एक सर्कस आया हुआ है शहर में, और स्कूल को एक टिकट मिला है, गोल्डन टिकट, और वो टिकट जिसको वो एक टिकट है, और जो लकी होगा उसको वो टिकट मिलेगा। तो सब बच्चे बोलते हैं वाओ वाओ, तो क्या करना पड़ेगा? तो मैम बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये प्रिंसिपल मैडम बताएगी, लेकिन सर्कस आया है इतना हम तुमको बता दें, तुम लोग जाके घूम के आ सकते हो। तो ये सर्कस का पिक्चर है, देखो कितना अच्छा सर्कस लगा है, कितना मेला सब है, जोकर एक है, फिर यहाँ पे सब कोई बहुत अच्छा जगह है। तो क्या होता है, आदि जाके अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मम्मी मुझे वो सर्कस के लिए टिकट दिला दो, क्योंकि स्कूल में तो एक ही टिकट है और मुझे जाने को मन है, प्लीज प्लीज मुझे टिकट दिला दो, मुझे ना सर्कस जाना है, प्लीज मुझे सर्कस देखना है। तो उसकी मम्मी बोलती है देखो तुम बहुत नोटी हो, मेरे बात नहीं सुनते हो, कोई टिकट तुमको हम नहीं देने वाले, और वैसे भी तुम्हारे पापा भी काम से बाहर गए हुए हैं, मेरे पास अभी टिकट खरीदने के लिए इतना कैश नहीं है। तो फिर आदि क्या कर रहा है, बहुत खुश हो गया ना, आदि रो रहा है, मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट नहीं मिला, मम्मी मुझे टिकट नहीं दे रही है, मुझे सर्कस जाना है, प्लीज मुझे सर्कस जाना है। क्या होता है, आदि जो संडे स्कूल जाता था, वहां के पास्टर वहां आते हैं, पूछते हैं आदि तुम क्यों रो रहे हो? आदि बोलता है एक सर्कस आया है, स्कूल में एक ही टिकट है, मुझे तो मिलेगा नहीं, मैं इतना नोटी हूँ। तो मेरी मम्मी को बोले, मम्मी बोली मुझे नहीं देगी, अब मुझे तो सर्कस जाना है, कभी सर्कस में देखा नहीं हूँ। तो पास्टर बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है, वो बोले कि तुमको मैं एक बैग दूंगा, ये खाली बैग है, इसमें तुमको क्या करना है, हर दिन तुम जितना अच्छा काम करोगे, किसी का अच्छा काम करोगे उसका नाम लिखना कि वो खुश हुआ जो भी किया, और ये बैग में उसको डाल देना, और रात को जितने लोगों का तुम हेल्प किए हो उनके लिए तुम प्रेयर करना। तो आदि बोलता है इतना बड़ा बैग है, इसको कैसे मैं भरूंगा, और भरने से क्या होगा ना, अगर तुम भरोगे तो शायद तुमको टिकट मिल सकता है। तो आदि बोलता है ये बैग भर देने से टिकट मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, विश्वास रखोगे, प्रेयर करोगे तो उम्मीद रखो टिकट मिलेगा। तो आदि खुश हो जाता है, बोलता है चलो शुरू करते हैं। वो पहले बोलता है क्या करो क्या करो, होमवर्क करता हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। तो वो बैठ के होमवर्क कर रहा है, मम्मी खुश हो जाती है, तो वो एक पेपर में लिखती है मैं आज होमवर्क किया, मम्मी खुश हो गई, और वो बैग में डाल देता है। फिर बोलता है अरे घर में इतना पेड़ है, इसको पानी दे देता हूँ, मम्मी और ज्यादा खुश होगी। वो पानी देता है, फिर लिख के डाल देता है मम्मी खुश हुई, मैं पेड़ में पानी डाल दिया। फिर वो रास्ते में जाते हुए देखता है एक फ्रेंड उसका गिर गया है, उसको जाके हेल्प करता है, उसका नाम जोएल था, वो लिखता है जोएल को मैं हेल्प किया, वो खुश हो गया। फिर वो रात को बैठ के प्रेयर करता है कि बाइबल पढ़ता है, प्रेयर करता है कि गॉड मेरी मम्मी को आप हेल्प कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, और जोएल जो गिर गया है उसको चोट लगा है उसको हील कर दीजिए और उसको भी ब्लेस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठता है, बोलता है मम्मी वैक्यूम क्लीनर दीजिए, मैं ना घर साफ कर देता हूँ, मम्मी और खुश हो जाती है। नेक्स्ट एक लड़की का बॉल पेड़ के ऊपर गिर जाता है, उसका नाम शायद
जानवी था, जानवी का बॉल गिर जाता है तो जानवी का बॉल वो हेल्प करता है तो जानवी खुश हो जाती है। रास्ते में जाते वक्त देखिए बूढ़ी दादी चल नहीं पा रही है, आदि बोलता है दादी आइए मैं आपको रास्ता पार करवा देता हूँ, वो भी खुश हो जाती है। वो लिखता है जानवी खुश हुई उसका बॉल हम निकाल लिए, दादी खुश हुई उनको हम रास्ता पार करवा दिए। फिर घर में आके याद आता है मैं हमेशा खेल के अपना खिलौना फैला देता हूँ, आज मैं उसको रख देता हूँ मम्मी खुश हो जाएगी। फिर उसकी एक फ्रेंड का लेग फ्रैक्चर हो जाता है, उसका नाम गुनगुन था मान के चलिए, तो गुनगुन को बोलता है आओ गुनगुन तुमको मैं थोड़ा पार्क में घुमा देता हूँ। तो गुनगुन भी खुश हो जाती है, वो लिखता है गुनगुन को मैं हेल्प किया पार्क ले जाने में वो खुश हुई। फिर रात को बैठ के प्रेयर करता है कि गॉड जानवी को हेल्प कीजिए उसको ब्लेस कीजिए और गुनगुन को भी हेल्प कीजिए ब्लेस कीजिए और मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस कीजिए। तो नेक्स्ट डे देखो वो हेल्प करता है, कहीं पे सफाई का काम कर दे रहा है, स्कूल में जो कचरा गिरा हुआ है उसको हेल्प करके साफ करता है। फिर वो देखता है ऐसे करते करते उसका बैग क्या हुआ है, भर गया है। वो बोलते मेरा बैग तो भर गया। फिर से स्कूल में बैठा हुआ है, मैडम आके बोलती है आज वो लकी डे है जो टिकट देने का दिन है, गोल्डन टिकट मिलेगा और वो एक ही बच्चे को मिलेगा। तो बच्चे बोलते मैम इसके लिए क्या करना होगा ना, प्रिंसिपल मैम बोली सब बच्चों को पूछा जाएगा कि एक ही बच्चे का नाम वो लोग देंगे अपना नाम छोड़ के जिसको ये टिकट मिलना चाहिए, जो उनका हेल्प किया है जो उनका फ्रेंड बना है। पता है सब बच्चे किसका नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, आदि का, क्योंकि गोल भी बोलता है आदि मुझे हेल्प किया है, गुनगुन भी बोलती है आदि मुझे हेल्प किया है, जानवी भी बोलती है आदि मुझे हेल्प किया है और टीचर भी बोलती है हाँ आदि एक गुड बॉय बना है। तो आदि को क्या मिला, गोल्डन टिकट। अरे आदि खुश हो जाता है मुझे गोल्डन टिकट मिल गया, खुश होके वो अपने पापा मम्मी को जाके बोलता है, उसके पापा आ गए बोलता है कि मैं रियलाइज किया कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा सबका हेल्प करूंगा और जब मैं दूसरों को हेल्प करूंगा गॉड मुझे हेल्प करेंगे। तो वो खुश होके बोलता है आज से मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा। देखिए वो थम्स अप करके खुशी का साइन दे रहा है कि मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, टिकट मिल गया और मैं अच्छा बच्चा बन गया, कितने सारे फ्रेंड्स भी बन गए मेरे। तो बच्चे इससे हम क्या सीखते हैं कि हम जब दूसरों का हेल्प करेंगे गॉड हमको हेल्प करेंगे और उम्मीद रखना चाहिए। आदि क्या किया, उम्मीद रख के सबका हेल्प किया कि उसको टिकट जरूर मिलेगा और हुआ क्या, उसका उम्मीद पूरा भी हुआ। तो आज का तुम लोगों का एक्टिविटी है, कल एक मेमोरी वर्स लिखने को बोले थे, कितना जन लिखे हो, कोई नहीं, दिखाओ जानवी दिखाओ कहाँ लिखे हो, लाके दिखाओ। तो तुम लोगों को क्या करना है, आज मर्सी मैम एक मेमोरी वर्स दी है, तुमको कल का मेमोरी वर्स और आज का मेमोरी वर्स ऐसे बटरफ्लाई बनाना है। मैम आज का मेमोरी वर्स क्या है, मर्सी मैम बोली ना, मर्सी मैम है, उसको हम भेज देंगे ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो तुम लोग क्या करना है वो मेमोरी वर्स तो रोमन चैप्टर 12 वर्स 12, तो तुमको फर्स्ट कॉरिंथियंस 13:13 और रोमन चैप्टर 12 वर्स 12 यहाँ पे लिख के ऐसे बटरफ्लाई बना के अपने घर में इसको रखना है ठीक है। ये क्यों बटरफ्लाई का साइन दिया है, ओके बटरफ्लाई का साइन क्यों दिया है पता है, कौन बटरफ्लाई का स्टोरी जानते है, बटरफ्लाई कैसे बनता है पता है, मैं जानता हूँ। एक कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर देखे हो, यस मैम, अगर उसके ऊपर पैर डाल के क्या होगा, वो पहले लीफ खाता है फिर आस्ते आस्ते बड़ा होता है फिर कोकून का अंदर जाता है फिर बटरफ्लाई होता है। यस तो क्या होता है कैटरपिलर जब वो बना है उसके ऊपर अगर पैर या हाथ लग गया खुजा खुजा के पूरा फूल जाएगा तुम्हारा बॉडी, उसके बाद वो कोकून के अंदर जाता है, उसके अंदर वो रह के हुआ था एक बार प्रिपेयर करता है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती। तो बटरफ्लाई एक होप का साइन है,
कि हमारे लाइफ में बुरा टाइम आने के बाद अच्छा टाइम भी आएगा. ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी है आज का. ओके, तो हम लोग अभी थोड़ा डांस प्रैक्टिस करेंगे. सब कोई खड़े हो जाओ, बहुत टाइम बैठ गए. चलो चलो खड़े हो जाओ. फिर से हम अभी गाना बजा रहे हैं, आपको डांस करना है. खड़े हो जाओ. गुनगुन कहाँ गए? हम फिर से गाना बजा रहे हैं, आप लोग खड़े हो जाओ. पहले कल का गाना करेंगे. I'm going to
तेरे महान नाम को कि तूने हमें एक सुंदर सा मौका दिया फिर से आज VBS का दूसरे दिन में हम फिर से तेरे पास आए हैं और हम आज हमें तूने अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई, अच्छा स्टोरी भी सुनाया, अच्छा गाना भी सीखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप इन सारे बच्चों को अच्छी तरह से आप रखना। प्यारे पिताजी हम प्रार्थना करते हैं कि आज से लेकर कल तक
होने दे कि ये सारे मम्मी पापा को हेल्प करेंगे और वो सारी अच्छी अच्छी फोटोज को हमें भेजेंगे ताकि हम देखेंगे फिर से आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस दिन के लिए, इस मौके के लिए, और हम सबको आप अच्छी तरह से रखिए और ताकि हम फिर से कल सुबह, जो कि कल VBS का तीसरा और आखिरी दिन है, हम फिर से हो पाए और फिर से अच्छी अच्छी चीजें सुने और सीखे और आपकी बड़ाई करें। ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र राज्य तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमें हमारे दिन भर की रोटी दे। हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराध को क्षमा कर परीक्षा में मत डाल, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। वेरी गुड। So, हम एक्सपेक्ट करते हैं कल को बहुत सारे फोटोग्राफ्स आएंगे। वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड मिस्टी। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिए टाटा बाय बाय। गॉड बी विद यू ऑल। लव यू ऑल। बाय 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 बाय। कल मिलते हैं 11 बजे। कल ड्रेस हो गया ना मछली वाली और मछुआरे जैसा, ठीक है? लड़कियां साड़ी और लड़के टॉवल में, ठीक है? बाय बाय। हाँ, अब मैसेज कर देना। कर देंगे मैसेज। बाय जानवी। बाय जानवी। बाय स्माइली। बाय हर्षिता दीदी। अब बाय 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 बाय। कैसे रखें? कैसे बंद करेंगे? कहीं बताए।